हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो डेट में से डे माइनस करने को लेकर के है। ये कैसे होगा कि हम डेट में से डे माइनस करें, ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं। अब यहां पर देखिए, मैंने लिखा है माइनस रिजल्ट और यहां लिखा हुआ है प्लस रिजल्ट, और यहां पर डेट लिखा हुआ है, यहां पर डेज लिखा हुआ है। चलिए माइनस रिजल्ट देखते हैं। इज इक्वल टू का निशान लगाया और फिर यहां पर जो डेट लिखी हुई है इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट कर लिया, यहां पर लगाएंगे माइनस और यहां पे डेज लिखा हुआ है, तो चार दिन, 2/4/2021 में से चार दिन माइनस हो जाएंगे तो ये मार्च में चला जाएगा ना। तो यहां पे देखिए, अगर इसको मैं माइनस करता हूं तो यहां क्या डेट आती है, यहां आ गया ऑटोमेटिकली 29/3/2021। देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। अब यहां पर अगर मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूं तो यहां सबका रिजल्ट आ गया। अब देखिए, यहां पर 15/5/2021 में से एक दिन मैं माइनस कर रहा हूं, ठीक है? तो यहां पर देख सकते हैं ये क्या डेट आ चुकी है, ठीक है? इसी तरह से 8/5/2021 में से छह दिन, दो दिन माइनस किए गए हैं तो यहाँ 6/5/2021 आ गया है, और फिर यहाँ तीन दिन माइनस करने पे 2/5/2021 आया हुआ है। इसी तरह से आप माइनस कर सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं। तो चलिए प्लस देखते हैं। तो इज इक्वल टू किया, ठीक है, और ये डेट है। अब इससे हमको कितना दिन एक्स्ट्रा चाहिए, मान लीजिए चार दिन एक्स्ट्रा चाहिए। अच्छा ये बताइए कि ये अगर डेट हम सेलेक्ट करते हैं 2 तारीख, तो 2 तारीख में कितना ऐड कर देंगे कि 6 हो जाएगा, तो यहाँ 4 डेज ऐड कर देंगे तो 6 तारीख में अपने आप तब्दील हो जाएगा। तो यहां देख सकते हैं ये 2 तारीख बन चुकी है 6 तारीख, ठीक है? तो इस तरीके से आप डेट में डेज ऐड कर सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।